हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं A2 और आप लोग का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। सो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ जाओ मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वैसे भी हम लोग के 5K फॉलोअर्स पूरे होने वाले हैं और वहाँ पे मैं आप लोग से बातचीत करता रहता हूं। हम लोग लाइव आते रहते हैं एंड आप लोग से बातचीत हमेशा होती रहती है। तो आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो एंड मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ और इंस्टा फैम का हिस्सा बनो, ठीक है। वैसे आज का हम लोग का टॉपिक है कि अपकमिंग पोकेमॉन मूवीज इन इंडिया। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मूवी नंबर 18 तक टीवी पर रिलीज हो चुकी है एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आगे कौन कौन सी मूवीज इंडिया में हिंदी डब के अंदर आप लोगों को टीवी के ऊपर देखने मिलेंगी इन फ्यूचर और इस साल में मोस्ट प्रोबेबली। तो चलो फिर चालू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप लोग ने देखा होगा जैसे कि इंडिया में पोकेमॉन की बहुत सारी मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं एंड अब कुछ गिनी चुनी मूवीज़ रह गई हैं जिनको अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है एंड वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने मिल जाएंगी। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को देखने मिला है और क्या क्या अभी बाकी है, जिससे आप लोगों को एक ईजी कंक्लूजन देखने मिल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो मूवी नंबर 1 से लेके मूवी 9 को स्किप कर दो, वो तो रिलीज़ होने ही नहीं वाली कभी इंडिया में हिंदी में, क्योंकि उसकी अलग ही चीज़ें हैं। तो मूवी 1 से लेके मूवी नंबर 18 तक, हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस तक टीवी पर हिंदी में डब करके दिखाया गया है हम लोग को मूवीज़। और 19th और 20th मूवी को छोड़कर और 21st मूवी को छोड़कर 22nd मूवी और 23rd मूवी हम लोग को हिंदी में देखने मिली है। तो अब लिटरली वो टाइम आ गया जहाँ पे इंडिया भी बाहर के बराबर हो चुका है मूवीज़ के मामले में और सीजन्स के मामले में भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस साल और पिछले साल रिलीज़ हुई हैं। तो अब बात करते हैं उन मूवीज़ की जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जो कि है मूवी नंबर 19 वॉल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल, मूवी नंबर 20 पोकेमॉन द मूवी आई चूज यू, मूवी नंबर 21 पोकेमॉन द मूवी द पावर ऑफ अस। और गुड न्यूज़ तो ये है कि इन तीनों मूवीज़ में से 2 मूवीज़ की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से 19th मूवी का नाम हिंदी में रखा गया है वॉल्केनियन की कहानी और आई मे बी मुझे लगता है जहाँ तक जो 20th मूवी है वो भी डब हो गई है, क्योंकि एक मूवी का सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है जिसका नाम है आप सिलेक्टेड हो। अब देखो 19th मूवी के बाद 20th मूवी आती है, तो आई गेस ये आई चूज़ यू ही है जिसके नाम में रिप्लेस और एडजस्टमेंट करके उसको आप सिलेक्टेड हो किया गया है, क्योंकि आई चूज़ यू का मतलब भी कुछ हद तक यही होता है। उसके बाद द पावर ऑफ अस वाली मूवी भी लिस्ट में है, बस उसके राइट्स वगैरह शायद हो गए हैं एंड वो भी मोस्ट प्रोबेबली टीवी पर ही आएगी, क्योंकि ये 2 मूवीज़ टीवी पर ही आने वाली हैं और बाकी 22 मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थी, तो वहाँ से मूवीज़ OTT पर आना चालू हुई। जैसे कि आपने देखा 22nd मूवी और 23rd मूवी नेटफ्लिक्स पर आई, लेकिन वो भी हिंदी डब में आई। तो जहाँ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि सब जगह हिंदी में ही आ रहा है। तो इस साल की अपकमिंग मूवीज़ 2 हैं, जो कि पोकेमॉन मूवी 19 और पोकेमॉन मूवी 20 एंड 21st मूवी भी आई होप कि जल्दी डब हो जाए तो वो भी हम लोग के लिस्ट में आ जाए एंड होपफुली इस साल भी हम लोग को नवंबर या दिसंबर के महीने में प्रोमोज देखने मिल जाएंगे। दिवाली के मंथ में बहुत सारे प्रोमोज आते हैं जिसमें पोकेमॉन मूवी 19 का प्रोमो होगा, ऑब्वियस सी बात है, और साथ में 20th मूवी भी हो सकती है आई चूज़ यू भी वो रिलीज़ कर सकते हैं अगर उनको इस साल रिलीज़ करना हो तो, या फिर वो नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, बट इस साल के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हर साल 2 मूवीज़ तो अब पोकेमॉन की आती हैं एंड हमें नया सीज़न भी देखने मिल सकता है जल्दी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यही थी पोकेमॉन की अपकमिंग मूवीज जो कि इंडिया में आने वाली है, जो कि पोकेमॉन मूवी 19, पोकेमॉन मूवी 20 और पोकेमॉन मूवी 21। तो आप लोग इतने एक्साइटेड हो इन मूवीज के लिए, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हम लोग मस्त चीज बातें करते रहते हैं, ठीक है। और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज ऐसे एनिमे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी और कंटेंट आप लोगों को देखने मिलता रहे हमेशा फ्यूचर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में। जब तक के लिए ड्रो पोकेमॉन और एनिमे फैन बने रहे, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।